उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र में बीती 8 फरवरी को एक 20 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में अमरोहा देहात पुलिस ने एक आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। आपको बता दें कि अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के हिल्टन बाईपास रोड पर बीती 8 फरवरी को एक युवती का शव मिला था, जिसने शिनाख्त नेहा चौधरी के रूप में हुई थी। अमरोहा देहात पुलिस द्वारा आज उसी मामले का खुलासा करते हुए आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में मृतक नेहा चौधरी का सगा भाई ही उसका कातिल निकला, जिसने अपने बचाव के लिए अपनी बहन को ही मोहरा बनाना चाहा, जिसके खातिर उसने अपनी बहन को ही मौत की घाट उतार दिया। साथ ही आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित चौधरी गैंगरेप का आरोपी था, जिसके कारण उसने अपने बचाव के लिए इस घटना को अंजाम दिया। आइए आपको दिखाते हैं प्राइम न्यूज 24 से कविंदर सिंह की रिपोर्ट। ऐसा है, 8 तारीख को अमरोहा बाईपास रोड पर एक अज्ञात महिला का शव मिला था। उसके पास जो आईडी थी, उसके बेसिस पे महिला का आइडेंटिफिकेशन नेहा चौधरी के रूप में हुआ था, जो मूल रूप से अमरोहा की ही रहने वाली हैं, लेकिन एनसीआर में काम करती हैं। तत्काल एक 302 का मुकदमा पंजीकृत करके घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। सर्वेलांस एसओजी और थाना लोकल थाने की टीम इसमें गठित की गई थी। उसी क्रम में हम बता दें कि विद इन 36 आवर्स उस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा आज हम लोगों के द्वारा किया गया है। घटना कुछ इस तरह से हुई थी कि उसमें नेहा का भाई अंकित उसी का मुख्य किरदार था। अंकित 7 तारीख को यहाँ अमरोहा से एक कैब करके दिल्ली जाता है, फिर पब्लिक के एक व्यक्ति से फ़ोन लेकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उसको लेकर वापस आता है। यहीं हिल्टन के पास वो उतरते हैं और उसके बाद घटनास्थल तक पैदल जाते हैं। पास के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसमें वो क्लियर चीज़ें सब नज़र आ रही हैं और वहाँ जाकर उसने ये घटना को कारित किया। घटना करने का उद्देश्य जो था वो कुछ इस प्रकार है कि थाना डिडौली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एक नाबालिग लड़की घर से चली गई थी, तो 363 का मुकदमा लिखा गया था। लड़की की बरामदगी हुई, उसके 161-164 के बयानों पर अंकित का और अंकित के परिजनों का नाम सामने आया और 376 और SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं की वृद्धि हुई। तो अंकित को था कि ये घटना करके, मर्डर की घटना करके, उन लोगों का नाम इसमें ले दिया जाएगा ताकि उस मुकदमे में समझौता हो जाए। अभी तक अभियुक्त से आला कतल, जो ईंट जिससे उसने वार किया था, वो बरामद हो गया है। उस दिन जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है और घटना में जो पहने हुए जो उसके कपड़े थे जिसपे मृतका का खून भी मौजूद है, वो हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। मैडम, छोटा सवाल है, इसने बाईपास रोड को क्यों चुना और अपनी बहन को क्यों चुना? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमें लगता है विस्तृत पूछताछ अभी अभियुक्त से करें, ये चीज़ें प्रकाश में आए तो आप लोगों के साथ शेयर करें। ये कुछ छोटा सवाल है मैडम, ये जो मामला है उसने मतलब साजिश किसके तहत की गई, मतलब साजिश करता कौन था इसमें, इसमें मतलब कितने ऐसा मोटिव किया उसके माइंड को कि ऐसी घटना घटित करता कि बच जाए? देखिए, अभी तक तो इस घटना में हमको केवल अंकित का ही इन्वॉल्वमेंट प्रथम दृष्टिया नज़र आ रहा है। कुछ और चीज़ें प्रकाश में आती हैं तो आप लोगों के इसका प्रोफाइल पढ़ा हुआ कहाँ तक है? ये लड़का MBA है, मेरठ यूनिवर्सिटी से इसने MBA किया है।